भाई जसवंत सिंह जी ने हुक्म करिया आप जी के जोड़े झाड़न वास्ते अज की और कल की सेवा है, कल नूं भी शाम की। गुरु साहब धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के कुछ प्रगट गल्लां ने, कुछ परोक्ष ने। परोक्ष का मतलब होंगे हिडन, जिन्हों अंग्रेजी न्यूएंस भी कह दें, NUANCE, अंतरी भाव। वो देखने नहीं नज़र आते लेकिन अंदर होंगे ऐसे गुण होंगे, जिमें साध संगत जी और सारे गुरु ग्रंथ साहब जी के होमे के वर्तलाप बंदे समझाया गया भी होमे इन्नी माड़ी है, किसी ना किसी रूप से आ जाती है, गुणा करके ज्यादा आ जाती है। अहंकार तो किसी किसी च होंदा है पर होमे सब च नहीं, इन्हां दोहां च इंटेंसिटी का फर्क है। हैं दोवें इक्को ही लेकिन एक सूखम स्टेज है, एक सिखरी स्टेज है। अहंकार जिहड़ा होंदा है, अहंकार जिहनूं तकबर भी कह दिंदे हैं, अभिमान भी कह दिंदे हैं, यह बहुत प्रबल होंदी है होमे, जिवें रावण दे विच सी, किसी किसी च होंदी है। और साध संगत जी वो अहंकार नूं सब लोग बुरा गिणदे हैं लेकिन होमे क्योंकि सब विच है, होमे नूं सब लोग बर्दाश्त करदे हैं, बहुता बुरा नहीं गिणदे। हालांकि बाणी का सानू यह सुझा है, बाणी का सानू यह उपदेश है कि यह होमे भी बार कट के रखनी है जे नेड़ता पौनी है गुरु की रब। साध संगत जी नामे लाए सवार शब्दे दे मलाए, शब्द गुरबाणी ये सानू परमात्मा दे नाल मिलाउंदी है, नाम बख्शदी है, नाम दे नाल फिर असी निखारे जाने, नाम दे नाल साडे अंदर गुण होर प्रगट होंदे हैं, दोनों इक्को ही है। शब्द ते नाम दो चीज़ां नहीं हैं लेकिन देखने दो जरूर नजर आउंदे। इहनूं संस्कृत विद्वान भेदा भेद कहने, जिदे बारे सानू संगत नूं भी बहुत बारी भंबल गुस्सा आउंदा भी नितनेम करिए जां नाम जपिए, ये अक्सर सवाल आता संगत विचों। साध संगत जी जिवें होमे और हंकार है दोहे इंटेंसिटी का फर्क है, ये शब्द और जिहड़े नाम है ये दोनों है एक चीज़ है लेकिन नज़र आने अलग अलग, इन्हां दी अपनी अपनी ड्यूटी कह लो परमात्मा वालों। शब्द ने नाम के नाल जोड़ना, सानू नाम साडे हिरदे विच लाउणा है, नाम बाद विच प्रगट हुंदा है, शब्द पहला है। हालांकि किसी समय नाम विचों ही शब्द निकलिया होया, गुरु साहिबाना के अंदर, भगत साहिबाना के अंदर, सीधा परमात्मा तो, ते उसे शब्द ने हुण सानू बाहरला जिहड़ा मोटा साडा मोटे तौर पर औगुण अहंकार है मेन, इहनूं कट के साडे अंदर नाम चलाउणा। नामे लाए सवारियन शब्दे लाए मिलाए, तो नाम दे नाल फिर साडे अंदर जिहड़ी बहुत बरीक मैं ईगो वो कट्टी जांदी, जदों ईगो कट्टी गई बुनियाद ही कट्टी गई, इमारत आपे ढह जांदी है, बाकी दे जिहड़े औगुण आपे छड्ड के लंघ जांदे हैं। सब ते जिहड़ा महत्वपूर्ण विशा है साडा, जिहड़ा सानू रब तों दूरी पाई रखी बैठा है वो होमे। तो गुरबाणी दे विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच कुछ परोक्ष है, कुछ अपरोक्ष भी है। अपरोक्ष आप देख लें, जिहड़ी परोक्ष है वो दिखती नहीं, जिवें सिख हिस्ट्री सारी होमे तो गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी तो होमे तोड़न खातर सारा ही जोर है लेकिन सिख हिस्ट्री का जोर सारा ही सैल्फ प्राइड आत्म सन्मान के उत्ते जोर है। देखो दोहां दे विच कितना अंतर वैसे है नहीं लेकिन सानू लगता इस तरह। सारी सिख हिस्ट्री अपने आप नू इनफीरियरिटी कंपलैक्स नहीं लेके जाना, हीनत भाव जी नू कहने, होमे कढ़नी है निम्रता लियानी है लेकिन निम्रता तो हेठा नहीं चले जाना भी हीनत भावना आ जाए भी महाराज सानू मारियो ना, मेरी धी का डोला ही लै जाओ, जो कुछ हो रहा पहाड़ी राजां च या बाकी राजपूत राजां च।
सो हीन भावना जी गुरबाणी ने एक्सैप्ट नहीं कर। आप कई बार इस तरह कह लें भी वह तो जी लंबा पै गया, बड़ा नरम बंदा, निम्रता वाला बंदा है। वह निम्रता नहीं होंगी है, निम्रता होर चीज़ है। निम्रता उसारू है, जोड़ा हीन भावना वह बड़ा ढाहू है, वह मन तोड़ता है। निम्रता गुरबाणी ने मंग करी है, हीन भावना जी है उन्होंने बिल्कुल खंडन कर। सारी सिख हिस्ट्री का जोड़ा चलन है वह इस तरह है। सिख हिस्ट्री क्या, बाकी भी बाबा रामदेव जी को यही कहा गया से भी तू राम कहना छड़ दे, अल्लाह कह दे तेरी जान बचू, गलत कुछ नहीं है, तू आप ही तो कहना दो ही। लेकिन बाबा जी कह रहे हैं अपनी माँ भी, बे जे तू मैनू इस तरह कहनी है तो तू मेरी माँ ही नहीं है। माँ इसके उपर बड़ी गाल पोई, ना हो तेरा पुंगड़ा ना तू मेरी माँ, पिंड पड़े तो हर गुण। मैनू क्वेश्चन के बीच क्यों कहने हैं, मैनू जबरदस्ती क्यों कहोने भी तू राम कह छड़ दे अल्लाह कह दे, मैं नहीं कहता। यह सैल्फ प्राइड, आत्म सन्मान, यह सिख हिस्टरी भी सारी च इस तरह ही भरया हुआ। छेवें पातशाह ने चार जंगा करिया शाहजहान के अगेंस्ट, दशमेह जी की तो सारी जिंदगी जंगा च लंघी। हालांकि जे आप जरा आप प्रतीत दिता है, जे गुरु ग्रंथ साहब जी की तुम भी गुरसिखों लगते हो स्टडी करी होनी है, ये सिर्फ होमे के वर्खिलाफ ही नज़र आता सब कुछ भी। होमे नहीं करनी, निम्रता करनी, वो जी भावना है जी फिर जी हिडन है जी प्रोक्ष है। वो एक श्लोक नौवें पातशाह जी का आता है, भय काहू को देत ने नह भय मानत आम, ना किसी भय देनी है ना किसी ने देनी है। देखने तो एक अद्धा ही श्लोक है बाणी जैसा, पर यदी व्याख्या 239 साल के गुरु साहबाना ने करके दिखाई। वो सैल्फ प्राइड जिन्हों कहने, ना दबना है ना किसी को दबाना है। बहुत जरूरी नुकते हैं समझने वाले हैं। होमे दे और निम्रता च बड़ा अंतर है। होमे हमेशा ढाउंदी है और होमे दे च बंदा दूजे नूं नीवा करना दिखाउंदा है, ते हंकार भी तां नीवा करदा भी है, मारन तक भी जांदा है, उहनूं मार के उपर जश्न भी मनाउंदा है। ये हंकार है होमे। जिहड़ी निम्रता है वह इस तरह नहीं है, और सैल्फ प्राइड भी इस तरह नहीं है। ये उसारू है, ये दिल को ढाउंदियां नहीं है, ये दिल को सगों चढ़दी कला चल जाती है, इन्हें समझने की लोड़ है। तो बहुता समा इस तों ना लंघा, क्योंकि होर भी अजकल के तोरनी है बात। साध संगत जीओ, ये जिहड़ी अणदिसदे दी बात आई है, गुरबाणी दे विच समुचे समग्र गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच ब्रह्म ज्ञान की, ब्रह्म आनंद की बात बहुत आई है, प्रेम आनंद की बात बहुत घट पाई हुई है, महाराज जाने। लेकिन सिख हिस्ट्री का सारा ही चलन प्रेम आनंद नाल जुड़िया हुआ है। थोड़ा जा भी समझ लो, ब्रह्म आनंद ते प्रेम आनंद भी है, दोनों ही आनंद है। एक ब्रह्म नूं सुन के आनंद है, एक ब्रह्म नूं साक्षात दर्शन करके आनंद है, दो ही आनंद। चौथे पद भी आनंद है, भगतों को जोड़ा आनंद होंगे वो दुख और सुख बराबर हो जाते, आनंद भी होंगे सहज होंगे। लेकिन जेडे गुरसिख अवस्था प्राप्त हुए हैं या गुरु साहबाना की जोड़ी अवस्था है, ज चेला भी गुरु बनया, उस अवस्था के सामने साक्षात दर्शन करके जो प्रेम आनंद पैदा होया जान। जो आए दे भाई मतीदार जी को चीरन की बात कही ना, तो मतीदार जी कहते इको एक आखिरी ख्वाहिश है भी मेरा मुख गुरु बल हो, आला चल रहा है आनंद आ रहा है, देह तो विदेह हो बैठे बस गुरु बल मुख है, यही आनंद आ रहा। जिहड़ा साक्षात आनंद है जिन्हों प्रेम आनंद, जिन्हों दसवें गुरु साहब ने दशमेह जी ने कहा जिन प्रेम की ओ तिन ही प्रभ पाए। ये प्रेम ये नहीं जिहड़ा आपां दुनियादारी च करते हैं, ये तो व्यापार है, तू मैनू आ दे मैं तेनों वह दे, प्रेम नहीं है।